Hello all my dear students, today we are going to learn the second part of the story, Let's March. So here the first part is uploaded, you can check the playlist for that. So let's get started. I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children. Now here the writer is telling that कि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जो judges है, जो police है, जो constitution है, ये हमारे बच्चों को protect करने में unable है, असमर्थ है. क्योंकि हर जगह if you will see in constitution there is given right to education, right to freedom, everything is given there. So जब constitution ने हर चीज़ provide की है तो हम कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी है कि हम उनके जो हक है, उनके जो अधिकार है, उसके लिए कैसे स्टैंड ले सके. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर दैन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम. नाउ हेयर शैकल मीन्स हथकड़िया या बेड़िया. मीन्स यहाँ राइटर कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं मानता कि जो गुलामी की बेड़िया है, शैकल्स ऑफ स्लेवरी यानी जो गुलामी की बेड़िया है, वो कभी भी स्ट्रांग हो सकती है. क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, क्वेस्ट यानी आपकी जो प्यास है, अगर आपको स्वतंत्रता की प्यास है तो आपको किसी भी तरह की बेड़िया जो है वो आपको स्लेवरी गुलाम बनाकर नहीं रख सकती. आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हेयर. माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड. और वह कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एम है कि हर बच्चा जहाँ कहीं भी उसका शोषण हो रहा हो, उसके अधिकार उसे ना मिलते हो, तो वो हर बच्चे को अधिकार मिलवा कर देना और उसे स्लेवरी से मुक्त करना, यही मेरी ज़िंदगी का एम है. फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, जो उसकी ग्रोथ हो सके, उसका विकास हो सके. फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, वो यानी उसको हर चीज़ खाने को मिले, दो समय का अच्छा खाना जो वो डिज़र्व करता है, अच्छी नींद और डे टाइम. डे टाइम यानी कहीं भी वो ऐसा अंधेरी कोठरियों में बंद ना हो, उसको भी सूरज देखने मिले, उसे भी उजाला देखने मिले, उसे भी नई ज़िंदगी का जो सूरज है, नई नए जो अवसर है वो उसके लिए भी उपलब्ध करा दे सकूँ. फ्री टू लव एंड क्राई, यानी वो हंसने के लिए भी आज़ाद हो. क्राई क्राई यानी चिल्लाने के लिए, अगर कोई चीज़ उसे नहीं अच्छी लगती है तो उसके खिलाफ़ वो चिल्लाने के लिए भी आज़ाद हो. क्या होता है जब बच्चे शैकल्स में होते हैं, जब गुलामी में होते हैं, तो उनको अधिकार नहीं होता चिल्लाने का. इस वजह से लेखक कहते हैं फ्री टू प्ले एंड लर्न, जो खेलने के लिए भी आज़ाद हो और सीखने के लिए भी आज़ाद हो. फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल, और जिन्हें एजुकेशन का जो राइट है उनका पढ़ाई का भी हक उन्हें दिया जाए, और ऊपर के जितने भी हक की हमने बात की है वो सारे हक मैं उन बच्चों को दिला सकूँ, यही मेरी ज़िंदगी का एम है. फ्री टू ड्रीम, और वो सपने देखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए भी आज़ाद हो. जो बच्चे गुलामी में जी रहे थे वो किसी भी तरह का सपना नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने मान लिया था अपनी जो किस्मत है. लेकिन नहीं, लेखक कहते हैं कि मैं हर उस बच्चे के लिए लड़ना चाहता हूँ जो इन चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विथ मेनी करेजियस पीपल. प्रिविलेज, वो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रिविलेज है. प्रिविलेज के दो मतलब होते हैं. प्रिविलेज यानी एक विशेष अधिकार जो होता है वो भी होता है. यहाँ मतलब है प्रिविलेज का यानी सौभाग्य है. हम कई बार कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि, सो इट्स माय प्रिविलेज. सो यहाँ लेखक कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सौभाग्य है कि मैं इतने करेजियस, हिम्मत वाले लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, हु हैव द सेम एम, जिनकी ज़िंदगी का एम भी बिल्कुल वही है जो मेरी ज़िंदगी का है. वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल, यानी किसी धमकी, थ्रेट यानी धमकी या अटैक के डर से हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये जो काम है हम इसे छोड़ देंगे. वी नेवर विल, और हम कभी इसे भविष्य में भी नहीं छोड़ने वाले. जो हमने पास्ट में भी नहीं किया वो भविष्य में भी नहीं करेंगे, यानी किसी के डर से या हमें हमारी जान के डर से हम ये काम को छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं होगा. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. लास्ट जो ये पिछले 10-10 साल यानी 20 साल, टू डिकेड्स, 1 डिकेड यानी 10 साल, 2 डिकेड्स यानी कपल ऑफ डिकेड्स, यानी ये जो पिछला 20 साल का समय है. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बाय हाफ, यानी स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की जो संख्या है वो हमने आधी कर दी है. जैसे
पहले अगर 100 बच्चे होते थे स्कूल नहीं जाते थे, तो हमारे इस कैंपेन के द्वारा, हमारी कोशिशों के द्वारा जो 50 बच्चे थे वो स्कूल में एडमिट हो चुके हैं, यानी उन्हें स्कूल जाने का मौका मिला है और 50% तक हम अपनी कोशिशों में सफल हुए हैं। वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर बाय द थर्ड, और जो चाइल्ड लेबरर है हमने उनको भी थर्ड से, यानी तिगुनी उनकी संख्या है उससे हमने उसको कम कर दिया है। वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी एंड मल न्यूट्रिशन एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, और यहाँ कहते हैं वो चाइल्ड मोर्टैलिटी यानी बच्चों का जो मृत्यु का प्रमाण है वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, और मल न्यूट्रिशन यानी जो उनमें का जो कुपोषण है, जो उन्हें न्यूट्रिशनल पोषक घटक वाला खाना नहीं मिलता, वो भी बहुत हद तक कम हुआ है लेखक की कोशिशों से। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ, और इसी वजह से हम जो चाइल्ड, क्योंकि माल न्यूट्रिशन से हर साल हज़ारों बच्चे मरते थे, जब उनमें वो खाने पीने की पोषक घटक की अवेयरनेस फैल गई, तो इस वजह से उनमें का जो चाइल्ड डेथ का प्रमाण था वो भी डेथ का प्रमाण कम हो गया है। इफ़ यू विल सी हेयर, जो लेखक वे अपनी अलग अलग अचीवमेंट्स हमसे शेयर कर रहे हैं, वो अपनी तारीफ नहीं कर रहे बल्कि वो अपने एफर्ट्स के द्वारा वो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सी आप भी क्या करो, आप भी हमारे साथ आओ, हमारे साथ जुड़ो और इस कैंपेन का हिस्सा बनो, क्योंकि दुनिया में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग चीज़ों से बहुत ज़्यादा वंचित है, कहाँ खाने को नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए हमें भी अवेयर होना है और हमें भी उनके लिए स्ट्रगल करना है। बट Let us make no mistake, great challenges still remain. लेकिन लेखक कहते हैं कि अब कोई गलती नहीं और कई सारे challenges अभी भी बाकी हैं। Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the door of humankind is fear and intolerance. और वो कहते हैं यहाँ, यानी अब सबसे बड़ी जो परेशानी है, क्राइसिस यानी परेशानी है, जो कि अब knocking the door, जो अब सामने आने वाली है, वो है fear and intolerance, यानी बच्चों में जो एक असहनता है और fear है, किसी चीज़ का डर उनके दिल में समाया हुआ है, इन चीज़ों से उन्हें बाहर निकालना है। We have utterly failed our children in imparting an education. यानी हम हमारे बच्चों में अच्छी शिक्षा जो है वो देने में हम असमर्थ रहे हैं, हम फेल हो गए हैं। एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, वो एजुकेशन देना जो ज़िंदगी को एक मतलब दे और ज़िंदगी को एक ऑब्जेक्टिव यानी एक उद्दिष्ट दे कि तुम्हारी ज़िंदगी का एम क्या है। एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ, और एक तरह से पूरा ग्लोबली पढ़ाना, टिपिकल किसी एक देश के लिए नहीं कि बस मैं ये देश का हूँ, तो नो, हमें इतना अवेयरनेस फैलाना है कि पूरी दुनिया का एक सिटीजनशिप, ग्लोबल सिटीजनशिप जिसे कहेंगे, जो सारे देशों के प्रति, सारे धर्मों के प्रति एक आदर का भाव रखता है और किसी के भी लिए वो दूजा भाव या फिर ऐसा द्वेष नहीं रखता है मन में, ऐसी सिटीजनशिप हमें बिल्डअप करनी है कंट्रीज़ के बीच में और उस बच्चों में। I am afraid that the day is not very far. लेखक कहते हैं मुझे डर लगता है क्योंकि वो दिन दूर नहीं, far away when the cumulative result of this failure, जब हमारे सामने इस ये सारी जो चीज़ें हैं इनके परिणाम आएंगे, cumulative यानी पूरे एक साथ मिलाकर, will culminate इन एन अनप्रेसिडेंट वायलेंस, और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो आज तक नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व, जो आज तक नहीं हुआ ऐसा पहुँच सकता है, एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, और वो इतना घातक हो सकता है कि एक सुसाइडल का एक ट्राई हो सकता है जैसे ह्यूमन काइंड के लिए, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो इस चीज़ से हमें हमारा जो यूथ है उसे बचाना है। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन, ये जो है राइट्स है, उनके अधिकार, उनकी जो सुरक्षितता है, उनकी जो आशा है, ये सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनमें एजुकेशन को देना, उनमें ये जो चीज़ें हैं जो हमने बोली है, ये सारी चीज़ें वायलेंस वगैरह है, ये सिर्फ एजुकेशन के द्वारा ही हम उनमें का जो वायलेंस उसे ख़त्म कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग
कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला नॉट जस्ट मलाला। लेखक कहते हैं मलाला को मैं अपनी बेटी समान मानता हूँ क्योंकि वो केवल मलाला नहीं है। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, और ये भी जो कायनात है, इन फैक्ट टू कायनात्स एंड शाजिया एंड द डॉटर फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये अलग अलग लड़कियों के, स्त्रियों के नाम हैं जिन्होंने लड़कियों के और स्त्रियों के हक़ के लिए अलग अलग जगह से आवाज़ उठाई है, तो लेखक उनके सारों के नाम यहाँ लेते हैं। एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस। और ये जो सारे लोग हैं ये शांतता को अपना रहे हैं, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। तो ये लोगों ने एक्सट्रीमिज़म के ऊपर टॉलरेंस यानी संयम दिखाया है, जहाँ बिल्कुल भी लोगों में संयम नहीं था ऐसे जगह संयम की मूर्ति बने हैं। करेज ओवर फियर डर के आगे, कहते हैं डर के आगे उन्होंने धैर्य दिखाया है, डर के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया है, तो इसीलिए मैं इनको बहने बेटियाँ मानता हूँ। The solutions are emerging, यानी जो solutions है अब हमें दिखाई देने लगे हैं, पहले रास्ता नहीं दिखाई देता था लेकिन जब सारे लोग जुड़ने लगे हैं और अब हमें रास्ते भी मिलने लगे हैं। But these solution cannot be found in the deliberation in conference alone, और ये ऐसे जो solutions है ये ऐसे deliberation conference जो है इसमें नहीं मिलाए जा सकते हैं, सिर्फ इसमें नहीं मिलाए जा सकते। And cannot be found in prescription from a distance, और बहुत दूर दूर से हमने दूर दूर से कोई सजेस्ट कर दिया कि हाँ आप ऐसे ऐसे कदम उठा लीजिए, ऐसा दूर से भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। दे लाए इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, तो ये कहाँ बसते हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप में जो देहाती है वहाँ बसते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में बसते हैं एंड इंडिविजुअल्स और लोगों में बसते हैं। हु आर कन्फ्रंटिंग विथ द प्रॉब्लम्स एवरी डे, जो कि इस ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे डेली डेली ये लोग टैकल करते हैं। इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज्ड अनरिकग्नाइज्ड एंड अनोन टू द वर्ल्ड द सोल्यूशन आर विद देम, यानी भले ही ये लोग अनएक्नॉलेज्ड यानी उनको भले ही कम समझा जाता है, अनरिकग्नाइज अपरिचित है एंड अननोन्स और दुनिया उनको नहीं जानती है, टू बी द वर्ल्ड द सोल्यूशन आर विद देम, भले ही ऐसा होता है लेकिन फिर भी जो सोल्यूशन है ये उन्हीं लोगों के पास है, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के पास है कि किस तरह उन्हें ये लोगों में जो प्रचार प्रसार है शिक्षा का वो फैलाना है। सेकेंड पार्ट, वी कैन डू इट, यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू, हम ये कर सकते हैं, हम ये पूछ भी सकते हैं क्या एक इंसान ये कर सकता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड, और वो कहते हैं ऐसे समय मुझे मेरी एक बचपन की कहानी याद आती है। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, यानी मेरे बचपन में जंगल में अचानक से आग लग गई थी। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे, और जो जितने भी वहाँ एनिमल्स थे वो जंगल में क्यों बेचारे इधर उधर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और उन भागने वालों में, जान बचाने वालों में लायन भी था। सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टूवर्ड्स द फायर, और अचानक से उसने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बर्ड फायर की ओर जा रहा है। He asked the bird, उसने बर्ड से पूछा, What are you doing? To the lion's surprise, the bird replied, फिर लायन ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। फिर बर्ड ने रिप्लाई किया, I am going to extinguish the fire, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ये जो आग लगी है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्यूश द फायर, द लायन लाफ्ड एंड सेड, और फिर इस पर लायन हंसता है और कहता है, हाउ कैन यू डू इट इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी से तुम कैसे उसे बुझा सकते हो। इन यूअर बीक, अपनी चोंच में ले जाकर, अ बर्ड वॉज एडमंट एंड शी सेड, I am doing my bit, और वो कहती है कि मैं जितना मुझसे बन रहा है मैं कर रही हूँ, अगर मेरा शरीर बहुत बड़ा होता तो मैं शायद ज़्यादा कर पाती, लेकिन जब भी नाम लिया जाएगा भविष्य में तो मेरा नाम जो है वो आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। ऐसी एक कहानी है भगवान श्री राम और एक गिलहरी की, जो हमने रामायण में पढ़ी है, कि वो जो नन्ही सी गिलहरी होती है भगवान श्री राम का सेतु बनाने में मदद करती है। तो इस कहानी के ज़रिए लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हम अगर
छोटे छोटे भी कदम उठाए, हम हमारी लेवल पर भी अगर बच्चों के लिए काम करें, उनके एजुकेशन के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में अगर काम करें हम, तो हम बहुत ऐसा माइलस्टोन जो है वो पूरा कर सकते हैं, अगर हम छोटे छोटे स्तर पर भी अगर काम शुरू करते हैं तो। 18 ईयर्स अगो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल मार्च अक्रॉस द ग्लोब, यानी कई लोगों ने मार्च किया था पूरी दुनिया में, एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ वर्स्ट फ्रॉम चाइल्ड लेबर। और कुछ साल पहले पूरी दुनिया में ये इंटरनेशनल लॉ के लिए मांग की गई थी कि जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए आपको चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए एक लॉ बनाया जाए। एंड इट हैज़ हैपन्ड, और ये हुआ भी, इंटरनेशनल लेवल पे ये कायदा बनाया गया चाइल्ड लेबर के खिलाफ। वी डिड इट, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिड इट, सी यानी एक एक देश करके हमने पूरा इंटरनेशनली ये लॉ बना लिया, यानी हम कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फ्रेंड्स, We live in an age of rapid globalization. हम उस एज में रह रहे हैं जो ग्लोबली बहुत फास्ट फास्ट बढ़ रहा है। We are connected through high speed internet. और हम एक दूसरे से बहुत हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सेकंड के भी अगर हम और छोटे छोटे पार्ट्स गिराए तो इतनी जल्दी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। We exchange our goods and services in one single global market. हम दुनिया के अलग अलग देशों में ग्लोबल मार्केट में हम क्या करते हैं तो सारे देशों की चीज़ें बेची जाती है। Thousands of flights every day connect us. रोज़ की हज़ारों जो फ्लाइट्स है एक दूसरे से दूसरे देश में जाकर हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। From one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion. लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें disconnect करता है और जो compassion का अभाव है, जहाँ compassion माने दया, दया का जहाँ अभाव है। Let us incalculate and transform these individuals' compassion into a global compassion. और आपस में जो individual compassion है, जो एक दूसरे व्यक्ति के प्रति जो दया है, यह हमें दुनिया के प्रति दया में बदलना है। Let us globalize compassion. पूरी दुनिया को अपनी दया का हमें पूरी दुनिया के लिए हमें दया दिखानी है। महात्मा गांधी said, If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. अगर हमें सच में इस दुनिया में real peace, अगर शांति की स्थापना करनी है तो हमें सबसे पहले शुरुआत बच्चों से करनी होगी। I humbly add, let us unite the world through the compassion of our children. और हमें पूरी दुनिया को एक लाना है किस चीज़ के ज़रिए, तो पूरे जो बच्चे हैं वो बच्चों को दया दिखाकर, सबसे पहली दया का हिस्सा अगर कोई बनता है, किस पे अगर हमारी दया मेहरबान होती है, तो क्यों ना वो बच्चों से शुरुआत की हो। पहले हम पूरी दुनिया के बच्चों का देखें, बच्चों के बारे में सोचें जो कि कल का भविष्य है। आई आस्क, हुज चिल्ड्रन आर दे हुज टीच फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विथ वन, यानी वो किसके बच्चे होते होंगे जो फुटबॉल बनाते तो है लेकिन वो आज तक उससे खेले नहीं हैं। हुज चिल्ड्रेन आर दे हु हार्वेस्ट कोकोआ येट हैव नेवर टेस्टेड चॉकलेट, यानी जो कोकोआ की खेती तो करते हैं लेकिन उनके बच्चों ने आज तक चॉकलेट का टेस्ट भी नहीं देखा है। हुज चिल्ड्रेन आर दे हु आर डाइंग ऑफ इबोला, वो किसके बच्चे होते होंगे जो इबोला वायरस की चपेट में आकर, ये बीमारी का नाम है, वो मरते होंगे। हुज चिल्ड्रेन आर दे हु आर किडनैप्ड एंड हेल्ड होस्टेज, वो किसके बच्चे होते होंगे जिन्हें किडनैप किया जाता होगा। दे आर ऑल आर चिल्ड्रेन, ये किसी और के नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं और हमें ही इनके अधिकारों के लिए लड़ना है। आई रिमेंबर An 8 years old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarry. यानी हमने पथरीली की जो पत्थरों की जो एक खदान होती है उसमें से एक 8 साल की लड़की को रेस्क्यू किया था बाल कामगारी में से। When she was sitting in my car right after her rescue, और उसके रेस्क्यू के बाद जिससे जहाँ बच्चों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, तो उसके रेस्क्यू के बाद जब वो मेरी कार में बैठी, she asked me, Why did you not came earlier? Means आप पहले क्यों नहीं आए? See, उसको बचाए जाने की खुशी थी लेकिन फिर ये भी गम था कि ये इतने लेट क्यों आए हैं, अगर पहले आ जाते तो मेरा रेस्क्यू कब से हो जाता था। हर
हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी। और लेखक कहते हैं उसका वो जो गुस्से में उसने मुझसे सवाल पूछा था कि आप पहले क्यों नहीं आए, एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और उसके वो सवाल से पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत थी। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, ऐसे ही यानी हमारी कई बच्चे राह देख रहे हैं। ये सवाल उसने केवल मुझसे नहीं पूछा था, तो ये सवाल सभी से पूछा था कि हम कहाँ हैं, वॉट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ की राह देख रहे हैं, हाउ मेनी गर्ल्स विल बी अलाउड टू गो विदाउट योर रेस्क्यू, कितनी लड़कियों का रेस्क्यू बिना किए ही रहेंगे ये बच्चे। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आर इन एक्शन एंड वॉचिंग आर एक्शन, जो बच्चे हैं वो हमारी निष्क्रियता पे सवाल पूछ रहे हैं और हमारे एक्शंस, हमारी क्रियाशीलता देख रहे हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, और हमें सब मिलकर कलेक्टिव यानी सब मिलकर एक्शंस लेनी है और अर्जेंसी में लेना है, क्योंकि कई बच्चों को हमें रेस्क्यू कराना है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, यानी हर जो सेकंड है, हर मिनट है वो ज़रूरी है, हर बच्चा ज़रूरी है और हर बच्चे का बचपन ज़रूरी है। अगर हम आज कोशिश नहीं करते हैं तो बड़े होकर ये बच्चों को, हमारे में भी कहीं ना कहीं ये गिल्ट रह जाएगा कि हमने ये बच्चे, और ये बच्चे बड़े होने के बाद किसी गलत राह पर भी जा सकते हैं, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम उनके बचपन को बचाएं। देयरफोर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, और मैं उन पैसिविटी और पेसिमिज्म को चैलेंज करता हूँ। पैसिविटी यानी कोई एक्शन ना लेना, और पेसिमिज्म यानी क्या बोलते हैं उसको, निराशावाद, उस पर यकीन करना। कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ अपने आस पड़ोस की पैसिविटी और पेसिमिज्म को। सराउंडिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जिसने हमारे बच्चों को सराउंड करके रखा है। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, ये जो कल्चर है साइलेंस का कि तुम्हारे सामने चीज़ें गलत हो रही है फिर भी हम शांत खड़े हैं, शांत बैठे हैं, ये चैलेंज मैं इस कल्चर को चैलेंज करता हूँ। एंड द कल्चर ऑफ पैसिविटी, और निष्क्रियता को कि सब कुछ देखने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। एंड आई चैलेंज द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी यानी हम कोई एक्शन नहीं लेते, हम दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखे हुए, यानी हमें दिख रहा है कि हमारे सामने कोई गलत चीज़ हो रही है और हम उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाते, हम उसके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते, उसका सपोर्ट नहीं करते या उसका विरोध नहीं करते, तो ये चीज़ों को कहते हैं न्यूट्रलिटी। हेयर वी हैव फिनिश्ड विद द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।